प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आगरा के आर भद्रराज हॉस्पिटल में हुई दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग आखिरकार अपनी नींद से जाग गया। स्वास्थ्य विभाग ने आगरा में आज करीब 12 टीमों का गठन किया और उसके बाद कई अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। ऐसे में यमुना पार के करीब 4 से 5 अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सील कर दिए। कई अस्पतालों में बेसमेंट में मरीजों को भर्ती देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई की, तो कई अस्पतालों में फायर विभाग के कोई भी इंतजाम नहीं थे। उन अस्पतालों पर फायर विभाग की एनएसजी नहीं थी और आग से बचने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। ऐसे में अभी भी लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम आगरा में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही और अस्पतालों पर कार्रवाई हो सकती है। पड़ताल चल रही है, किन मानकों को लेकर जाँच पड़ताल हो रही है? ये यमुना पार में नहीं अपितु पूरे आगरा शहर में, आगरा जिले में ही अलग अलग टीमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो हर अस्पताल में जाके उनके जो मानक हैं, फायर का है, बेसमेंट का है, पॉल्यूशन का है, नगर निगम का है, उनकी सबकी जांच की जा रही है। अगर कहीं कोई कमियां मिलती हैं, नोटिस लगा सुधारने लायक है तो उसको सुधरवाया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में सील किया जाएगा। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जो सील होने के बाद दूसरे नाम से उसी बिल्डिंग में खुल गए हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी भी जाँच कराई जाएगी। अब पर आगे से ऐसा नहीं होगा, जो बंद होगा वो बंद ही होगा। ठीक, अब ये नहीं होगा कि जो खुल गया दोबारा से खुल नहीं। ठीक। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।